नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक, रणतंत्र में वेलकम। और एशिया कप के पजल का आखिरी पार्ट भी फिट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप बी में तो अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के रूप में तीन टीमें पूरी थी, लेकिन ग्रुप ए में फिलहाल सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान थी। तीसरी टीम को क्वालिफाई करना था, जिसके लिए पिछले कुछ टाइम से एशिया कप क्वालिफायर खेले जा रहे थे। इसमें मेजबान यूएई के अलावा कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग शामिल थे, लेकिन फाइनली इन सब में से एक ही टीम चुनी जानी थी। और अपने तीनों मैच जीतकर हांगकांग ने इंडिया और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसका मतलब यह कि 28 तारीख को पाकिस्तान से खेलने के बाद हमारा दूसरा मैच 31 अगस्त को हांगकांग से होना है। हांगकांग के एहसान खान बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, और हमने यही सोचा कि आज के वीडियो में आपको थोड़ा सा उन खिलाड़ियों के बारे में बताएं जो इंडिया और पाकिस्तान के ग्लैमर में खो से गए हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ बाकी टीमें खेलेंगी तो पहले ये लोग जख्म देंगे और उसके बाद उस पर पाव भर नमक भी लगा देंगे। इंडिया और पाकिस्तान की हाइप के पार कौन से ऐसे तीन खिलाड़ी हैं जिन पर एशिया कप में सबकी नजरें रहेंगी, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। नंबर एक पर है अफगानिस्तान के राशिद खान। एक टूर्नामेंट जिसमें शाकिब अल हसन भी खेल रहे हैं, चहल भी खेल रहे हैं, हसरंगा भी खेल रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी टूर्नामेंट का बेस्ट स्पिनर नहीं है, तो समझ जाइए कि उस टूर्नामेंट में राशिद खान भी शामिल है। ऊपर से राशिद लोगों को इतने पसंद है कि शायद उनको इस टूर्नामेंट का मोस्ट लव्ड खिलाड़ी कहा जा सकता है। इंडिया में तो उनको इतना पसंद किया जाता है कि उनकी सिटीजनशिप चेंज करने की डिमांड आई थी। पाकिस्तान में भी राशिद खान मोस्ट लव्ड ओवरसीज क्रिकेटर हैं, और ये सब तब जब राशिद ने इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत दुख दिए हैं। अब देखिए, T20 इंटरनेशनल में केएल राहुल राशिद खान के खिलाफ सिर्फ 6 के एवरेज से रन बना पाए हैं। रोहित का एवरेज राशिद के खिलाफ सिर्फ 8 रन पर मैच भी नहीं है। बाबर आजम भी उनके खिलाफ ईके साबित हुए हैं और मात्र 12 का एवरेज है उनका। इन सब में कोहली ही थोड़े बेहतर हैं, जिन्होंने राशिद के खिलाफ 27 की एवरेज से रन बनाए। दुबई का मैदान बड़ा है, यानी यहां छक्के मारने भी आसान नहीं है। ऐसे में राशिद अगर टूर्नामेंट के बेस्ट गेंदबाज बनकर निकले तो हैरान मत होइएगा। खिलाड़ी नंबर दो जिसके आगे सावधान का बोर्ड लगा होना चाहिए वो है शाकिब अल हसन। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को शाकिब से कितनी परेशानी रही है, शाकिब के ऊपर इनडिसिप्लिन के इल्जाम लगे हैं, वो कई दफे बैन भी हो चुके हैं, उनकी कप्तानी भी जा चुकी है, लेकिन घूम फिर कर बांग्लादेश और शाकिब चुंबक और लोहे की तरह चिपक ही जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम अपने एक खिलाड़ी पर इतनी डिपेंडेंट नहीं है जितनी बांग्लादेश शाकिब पर है। यही वजह है कि एक बार फिर बांग्लादेश की कप्तानी उनके सबसे सफल खिलाड़ी पर आ गई है, जो न सिर्फ एशिया कप का बल्कि उसके बाद वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश की कमान संभालेंगे। हालांकि पिछले दो एशिया कप में बांग्लादेश रनर अप रही है, लेकिन अब की बार उनके सेकंड राउंड में जाने के चांस बहुत कम लग रहे हैं। इसके बावजूद ये सब मान के बैठे कि शाकिब अल हसन बढ़िया ही प्रदर्शन करेंगे। शाकिब बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर भी हैं। 2019 वर्ल्ड कप में कायदे से मैन ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें ही मिलना चाहिए था। खैर, जो बीत गई सो बात की। देखने वाली बात यह होगी कि क्या शाकिब वन मैन आर्मी बनकर बांग्लादेश टीम की एशिया कप में काया पलट कर सकते हैं या नहीं। खिलाड़ी नंबर तीन, इत्तेफाक से ये खिलाड़ी भी स्पिनर है, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो बड़े स्टेज पर चमकने के लिए ही पैदा होते हैं। वानिंदु हसरंगा उन्हीं में से एक है। श्रीलंका ने पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त क्रिकेट खेली है, अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को हराया है। पहले ये एशिया कप श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन वहां पर हो रही परिस्थितियों की वजह से इसे यूएई शिफ्ट करना पड़ा। यकीन मानिए, अगर ये श्रीलंका में होता तो हसरंगा सबसे बड़े स्टार होते। जैसा हमने आपको बताया, बड़े स्टेज पर चमकना हसरंगा की फितरत है। T20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में फिलहाल वानिंदु 6 नंबर के गेंदबाज हैं, लेकिन उनका काम 1 नंबर का है। पिछले साल T20 इंटरनेशनल में हसरंगा के नाम सबसे ज्यादा विकेट थे। पिछले साल ही हुए वर्ल्ड कप में उनके नाम हैट्रिक भी। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वानिंदु हसरंगा इस एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों का गेम खराब कर दे। मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के अलावा बाकी टीमों के ये तीन खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके हिसाब से एशिया कप में सबसे ज्यादा कौन सा खिलाड़ी चमकेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा दोस्तों से, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। हम आपके लिए कल इंडिया की टीम के सबसे बड़ी दुविधा लेकर हाजिर होंगे। किस दुविधा में, किस टेंशन में है टीम इंडिया, जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।